पहली बार ट्राई करने वाली। देख सकते हैं नूडल्स की काफ़ी अच्छी क्वान्टिटी में स्टफिंग देते हैं। सो वेज मोमोज है तो ऑब्वियसली। गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल ग्लिम्स ट्विंकल एंड आई एम ट्विंकल। सो गाइज आज की हमारी इस वीडियो में मैंने ऑर्डर करा है बहुत सारी यम्मी डिशेस एंड इट्स अ पैन एशियन डिशेस जो कि है फ्रॉम पश्चिम विहार सैंड नूड से एंड आई एम ट्राइंग इट द फर्स्ट टाइम। जस्ट चेक कि क्या क्या मैंने ऑर्डर करा है। सो हियर इट इज। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इनकी पैकेजिंग है काफी अच्छी मुझे पैकेजिंग लगी, एकदम क्लासी सी। वरना नॉर्मली जो आते हैं हमारे पास पेपर बैग्स बहुत लो क्वालिटी के होते हैं एंड थ्रेड भी उनका ब्रेक हो जाता है, बट इट वॉज नाइस, मुझे काफी अच्छी क्वालिटी लगी थी इसकी। अब नाउ जस्ट सी कि क्या क्या मैंने इसमें ऑर्डर किया है। क्रिस्पी फ्राइड वेंटन्स जो मैंने फर्स्ट टाइम ऑर्डर कराया है और फर्स्ट टाइम मैं इसको ट्राई करूंगी खाके कि किस तरह से है। एंड ये चिकन में है, दिस इज नॉन वेज आइटम, इसके वेज भी अवेलेबल था। देन नेक्स्ट इज वेज स्टीम मोमोज। स्टीम मोमोज चिकन में भी थे बट आई हैव ऑर्डर्ड फॉर द वेज वन एंड पनीर मोमोज भी वहां पर अवेलेबल थे। मोमोज की काफी वेराइटी भी थी, लाइक स्टीम मोमोज, ग्रेवी मोमोज, पैन फ्राइड मोमोज एंड ऑल्सो फ्राइड मोमोज। सो जिसमें से मैंने स्टीम मोमोज चूज किए टू गेट द टेस्ट एंड फ्लेवर ऑफ दिस स्टफिंग। इसके बाद है यहाँ पर चिली गार्लिक नूडल्स, दिस इज ऑल्सो वेज आइटम। नॉन वेज भी चिली गार्लिक नूडल्स थे, शेजवान नूड्स थे एंड बहुत सारे और भी वैरायटी ऑफ नूड्स थे एज दे आर स्पेशल फॉर नूड्स। सो नूड्स ऑर्डर करना था बहुत ही बनता था। साथ ही में मुझे इसके साथ मिली है कुछ डिप्स। एंड द ग्रीटिंग्स फ्रॉम सेंड नूड्स। को नॉर्मली जोमैटो से स्विगी से ऑर्डर कर सकते हो, इजिली आपको मिल जाएगा सैंड नूड्स। एंड डिलीवरी आउटलेट्स आई थिंक इस पे सिर्फ पश्चिम विहार का ही है, पश्चिम विहार में ही सिर्फ इनकी एक ब्रांच है। सो और भी हो नियर बाय तो आप जोमैटो पे चेकआउट कर लेना, बट मेरे ख्याल से ये सिर्फ पश्चिम विहार में ही है जहां से मैंने इसको ऑर्डर किया। सो अब ओपन करके देखते हैं हम क्या क्या है। सो स्टार्टिंग विद द वेज मोमोज बिकॉज मोमोज आर माई फेवरेट। मोमोज बहुत ही अच्छी आ रही है, चिली गार्लिक नूड्स, वाओ, चिकन बटन्स। मैं खुद पहली बार ट्राई करने वाली हूँ कि क्या होता है ये, इसका टेस्ट कैसा होता है। एंड इसमें बहुत सारे और भी गुड ऑप्शंस थे, डिशेस थी एक्सप्लोर करने के लिए, लाइक टॉम टॉम सूप एंड चॉपसी, अमेरिकन चॉपसी, सम रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स एंड फ्रैपेज, और भी बहुत कुछ था। इसमें थाई करी भी थी, और भी बहुत सारे वैरायटी ऑफ नूड्स थे, चिकन 65, चिली चिकन, हनी चिली पटैटोज एंड मैनी मोर। गाइज हेयर आर द फूड जो हमने ओपन करके देख लिया है, देखने में काफ़ी अच्छे हैं, स्मेल भी काफ़ी अच्छी आ रही है इनकी एंड दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है कि क्वालिटी फूड है एंड फ्रेश सर्व्ड है। सो आई कैन वेट टू ट्राई इट। सो मैं इसको ट्राई करने वाली हूँ और सबसे पहले मैं ट्राई करने वाली हूँ चिकन वेटन से, बिकॉज ये मैं बिल्कुल फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ और मुझे बहुत ही एक्साइटमेंट है कि किस तरह का इनका टेस्ट होगा। सो दीज आर द चिकन वेटन्स, आप देख सकते हो छोटे छोटे से पीसेज हैं। ओके और इसके अंदर आप स्टफिंग देख सकते हो, प्रॉपर चिकन की स्टफिंग्स है और जो आउटर लेयर है वो काफी थिन है, मैदे की बनी हुई लग रही है मुझे ये, और फ्राइड है और अंदर चिकन की स्टफिंग है। जिस चिकन को अच्छे से मैरिनेट करके बनाया हुआ ऐसा लग रहा है। तो अब इसको हम ट्राई करते हैं इस वाले डिप के साथ। चिकन मटन जो है बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, बहुत ज्यादा यमी है, काफी क्रिस्पी है और ना ही ज्यादा क्रिस्पी है ना कम क्रिस्पी है, क्रिस्पी इज ऑन द पॉइंट। एंड जो अंदर की स्टफिंग है वो काफी अच्छी तरह से मैरिनेट करके इसको बनाया हुआ है, टॉस किया हुआ है अनियन, स्प्रिंग अनियंस और कुछ फ्लेवर फुल स्पाइसेस के साथ, जिसका फ्लेवर बहुत ही एनहांस होके आ रहा है चिकन का। इसको हम नॉर्मल भाषा में बोले तो इट कैन वी कैन से इट्स पैन फ्राइड मोमोज, चिकन मोमोज या फिर
पैन फ्राइड चिकन मोमोज इज परफेक्ट, बिकॉज हम फ्राइड मोमोज नहीं कह सकते क्योंकि वो एकदम डीप फ्राइड होते हैं और ये मेरे को एकदम लाइट फ्राइड लग रहे हैं. सो इट्स एब्सोल्युटली परफेक्ट, यू कैन ट्राई इट आउट एंड बहुत ही ज्यादा यम्मी है और टेस्टी है. नेक्स्ट जो मैं ट्राई करने वाली हूँ वो है मेरे पास स्टीम मोमोज, विद स्टीम मोमोज. यू कैन सी द साइज ऑफ मोमो, काफी अच्छा साइज है इसकी, क्वांटिटी काफी अच्छी लग रही है. और अंदर से स्टफिंग देखते हैं हम. सो वेज मोमोज है तो ऑब्वियसली इसके अंदर वेजिटेबल्स होंगी, समथिंग लाइक कैबेज एंड कैरेट, स्प्रिंग अनियंस. और वेज मोमोज काफी जगह पर हमें अच्छे नहीं मिलते हैं, नॉर्मली उसको ऐसे कुक करा जाता है. सो लेट्स जस्ट ट्राई कि इस प्लेस के वेज मोमोज किस तरह के हैं. इनकी स्टफिंग जो है बहुत अच्छी है. बेस्ट पार्ट जो मुझे लग रहा है इन दोनों के अंदर ही कि लेयर जो है आउटर लेयर बहुत थिन है और अंदर की स्टफिंग जो है इनकी एकदम फ्रेश है, अच्छे से वेल कुक्ड है. वेजिटेबल्स भी एकदम इन्होंने क्वालिटी की चूज करी हुई है और फ्लेवर बहुत ही एनहांस होकर आ रहा है. इट्स हाईली रिकमेंडेड कि आप ये दोनों डिशेज ट्राई करो. नेक्स्ट जो है हमारे पास चिली गार्लिक नूडल्स हैं एंड क्वांटिटी आप देख सकते हो नूडल्स की, काफी अच्छी क्वांटिटी में इन्होंने दिया हुआ है. इट वॉज अराउंड 250 रुपीज एंड चिकन वेटन्स कॉस्टेड अराउंड 300 रुपीज. दिस वेज स्टीम मोमोज वॉज अबाउट 220 और 230 रुपीज. सो रीजनेबल रेट्स भी है और टेस्ट के हिसाब से आई विल से कि इट्स टोटली वर्थ ट्राइंग, बहुत अच्छा टेस्ट है. सो लेट्स ट्राई दिस चिली गार्लिक नूड्स. बहुत अच्छा फ्लेवर है. इट्स टेस्टिंग लाइक हाका नूडल्स. हाका नूडल्स की तरह ही इसके अंदर सारे वेजिटेबल्स डाली हुई हैं. कैबेज है, कैरेट है, अनियंस हैं एंड जो ये नूड्स है, ठीक है. और नूड्स जो है काफी अच्छे से कुक्ड है. डिश जो तीनों है बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने कुक करी हुई है, फ्रेश है और बहुत ही अच्छा टेस्ट दे रही है. आई एब्सोल्युटली लाइक डेट, मुझे बिल्कुल भी नेगेटिव चीज यहाँ पर देखने को नहीं मिली है. सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट और गरम गरम वहां जाकर खाओगे तो और ज्यादा मजा आएगा खाने में. डिलीवरी हो तो उसी टाइम पे खाना, गरम गरम बहुत मजा आएगा एंड इट्स टोटली वर्थ ट्राइंग. हाईली रिकमेंडेड प्लेस कि आप इसको जरूर ट्राई करो, बहुत यम्मी यम्मी डिशेज हैं. अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर सच वीडियोज. और वो शेयर करना उन लोगों के साथ जिनके साथ आपको जाना है सेंड नूड्स में नूडल्स खाने और वेटन्स खाने के. हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है yummy.tasty, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.